श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र एक नया प्यारा सा प्रसंग लेके आया हूँ। कई बार हम कहते हैं कि जप कैसे करें और नाम सुमिरन कैसे करें, तो दोनों अलग हैं। जप में नियम होते हैं, नाम सुमिरन में कोई नियम नहीं होता। जप दिल करें, मुरारी बापू ने मानस साधु चरित मानस में बताया कि जप में कर्म होता है, स्मरण में कर्म नहीं होता है। बस लो आ गई उनकी याद, उनकी याद आई, काम पूरा, बस कोई कर्म नहीं कि 5 बजे ही याद करना। जप में सब टाइम टेबल होता है, इतनी माला इतने हिसाब से, लेकिन याद में स्मृति में कोई टाइम टेबल नहीं होता, कभी भी याद आ जाए। तो ये मुरारी बापू ने बताया, रसिकों ने गाया है ना कि सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरूं मैं पिका नाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं पिका नाम, अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम, सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम। तो रसिकों ने ये गाया है कि श्वास श्वास पे हरि भज। ठीक है, आप नियम करते हैं, अच्छी बात है, कर पाए तो करना चाहिए, लेकिन जहाँ ज़्यादा गणित आ जाए। उसके बाद पुंडरीक जी ने बड़ी अच्छी कुछ बातें कही हैं, वो मैं आपको अब बताता हूँ। वो बताते हैं कि अगर जीवन में शांति चाहते हो सच में, तो सबसे पहले अपने जीवन में से गणित को विश्राम करो, गणित का विश्राम करो। जो गणित है, जिस दिन वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा, उस दिन अगर तुम गणना में नहीं फंसे तो आनंद में फंसोगे। देखो कैसे, सारा फायदा और नुकसान, सारा सुख और दुख, सारी उन्नति और सारी अवनति, इन सब के पीछे गणित छिपा है। कैसे? अरे, यहाँ तक कि अगर भगवान के नाम में भी गणित हो तो वो भी दुख दे सकती है, वो भी प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकती है, वो भी अभिमान को जन्म दे सकती है। अच्छा, तुमने 10 बार भगवान का नाम लिया है, हम 12 बार लेंगे। आप सुबह 4 बजे उठते हो, हम 3 बजे उठेंगे, तो वो प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकती हैं। भगवान का नाम लिया बड़ी बात है, पर उससे भी बड़ी बात है कैसे लिया, पीछे क्या भाव है। आप 16 माला करते हो, हम 10 माला करते हैं, ये भी अभिमान को जन्म दे सकता है, ये भी प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकता है। अच्छा, आपने 2 बार बिहारी जी का दर्शन किया है, हमने तो सैकड़ों बार किया है, हम तो इतनी बार वृंदावन गए हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, कहते हैं अरे आप तो 4-5 बार गए हो, हम तो हर महीने जाते हैं। अच्छी बात है, कृपा है, आप जा पा रहे हैं, तो गाना क्या उसमें। अब 2 बार और सैकड़ों बार गणित लगाओगे तो सैकड़ों बार वाला ज़्यादा बड़ा है, 2 बार वाला छोटा है। और अगर गणित नहीं लगाओगे तो मैं आपसे सत्य कहूँ, दया आएगी कि सैकड़ों बार बिहारी जी का दर्शन करने के बाद भी इसकी स्थिति अब भी ऐसी है। इतनी बार वृंदावन गया, हर महीने गया, फिर भी स्थिति वही की वही है, क्या फ़ायदा। अभी तक इसके साथ वो नहीं हुआ जो बिहारी जी को देखने के बाद स्वामी हरिदास को हुआ था, जो प्रियादास को हुआ था, जो वृंदावन के संत वैष्णवों को होता है। तो गणित बड़ी भारी समस्या है। तो आज के समय की ज़्यादा कहूँगा, ज़्यादा गणित मत लगाना, जितना हो पाए सहज कर्म कौनते हैं, सहज कर्म ज़्यादा करना। नियम कर पाओ तो बड़ी अच्छी बात है, ना भी कर पाओ तो दुखी मत होना। सीधी सी वही बात है कि सांसों की माला में सिमरों में पी का नाम। तो मेरे भाई बहन, ऐसी दशा हो जाए कि सांसों की माला में सिमरों में पी का नाम, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो ये प्यारा सा प्रसंग पढ़ने को मिला, जप को लेके, नाम को लेके,
गणित को लेके, सुमेरन को लेके आपके सामने लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानी किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।